ये वो बंदा है जिसको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। और ये मेरी असनैंड ड्रीम कार, बताना नहीं है अभी। ओके शाह साहब पहले हाथ में लाएंगे। शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, फिट फाट होंगे। तो जी वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जी मुझे एक बार फिर से बिल्कुल उम्मीद है कि तुम लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी माए बहनें, भाई, अंकल, आंटी, बुजुर्ग, छोटे बच्चे, सब छोटे से बड़े लेके सारे ठीक ठाक होंगे यार, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट में ज़रूर बता देना ठीक हो ना, तभी से ठीक है ना, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। तो जी सीन कुछ इस तरीके से आया कि हम आए हुए हैं रुसेल गार्डन, ठीक है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाएंगे, तो ओमान को अभी एक्सप्लोर करना है यार। तुम्हारे बाइक वाला लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस जब रिन्यू हो जाएगा ना तो उसके बाद ओमान को भी एक्सप्लोर कर लेंगे यार। तुम लोगों को नहीं पता, ये इस टाइम हम मौजूद हैं रुसेल गार्डन के अंदर, ठीक है। जिसने मैं ज्वाइन किया हुआ है उसे भी मिलवाते हैं। ये हमें दो प्यारे प्यारे बच्चों ने जो है ना ज्वाइन किया हुआ है, आए आपको दिखाते हैं। हेलो, इनकी शक्ल तो आप रोज़ व्लॉग में देखते होंगे, लेकिन आज ये बहुत स्मैक्सी किस्म के लग रहे हैं। अदाएं दिखाने को नहीं कहा भाई, हेलो। तो हम इस टाइम मौजूद हैं रुसेल गार्डन में, रुसेल गार्डन नसीम गार्डन में मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? फर्स्ट क्लास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है आपकी? कोई सलाम दुआ कुछ नहीं है? कोई हसनैन ने नहीं कुछ सिखाया आपको? यार हसनैन से हमने बुरे काम ही सीखे, अच्छा काम कभी कोई नहीं सीखा। अब उन्हें देखना यार थोड़ा सा ना, वो कर दो, क्लियर कर दो, चलो झूठ बोल दो यार, आपको पता ना सबने व्लॉग देखना होता है। यार हमारे सीनियर हैं, ठीक है, इनसे हमने क्या सीखा है, पढ़ाई कैसे करते हैं, फिजिक्स कैसे पढ़ी जाती है, न्यूटन का तीसरा लॉ मुझे इन्होंने ही सिखाया। ये झूठ बोल रहे हैं, पक्के झूठ बोल रहे हैं। इनका इंट्रो जो है ना हसनैन अपनी जुबानी खुद बताते हैं। हसनैन साहब थोड़ा भाई का इंट्रो करवाए ना मेरे व्यूअर्स को, पता चले कौन सी ऐसी नई शक्ल देखने को मिल रही है, उन्हें क्या है, कौन है, कहाँ से आए हैं। ये वो बंदा है जिसको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, वो बंदा है जिसकी मुझे फिटर देके कूदो में अपने खिलाए पिलाए। बड़ा हरामी हो बेटा। और छोटे से शुरू हो गए, आगे चलते हैं बड़े बड़े जब। तो जी आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने ब्लॉग के अंदर। थैंक यू सो मच। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत माजरत। नहीं नहीं, कोई लगे तो उसके लिए बहुत माजरत। नहीं लगेगी इंशाल्लाह। चलें अब एक जेन्युइन बात पे मैं कहना चाहूंगा, जो एक काम मुझे शाह ने सिखाया, शाह ने मुझे ये सिखाया अपनी आवाज कैसे साफ करें। कौन सी आवाज साफ करनी है? गंदी गंदी बातें करते हो? नहीं क्लियर कर यार। यार जैसे अब सुर लगाने हैं ना, मुझे सुर लगाना शाह भाई ने सिखाया। ओ भैंस के दो में इसका मतलब बस नैन ने सुर लगाना भी सिखाया, तो अब ये कंपलसरी हो गया कि सुर आप अंदर जाके एक आधा लगा के दिखाएंगे। ये तो अब नहीं, ये जो है ना हमारा बड़ा एक यार मेरी लट्टे आगे आ जाती है यार, ये हम बड़ा एक कंपलसरी पार्ट होता है हमारे व्लॉग के अंदर। कोई अगर बीच में लू चढ़ा देना तो वो करना कंपलसरी होता है, नहीं तो मेरे व्यूअर्स फिर शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं सिर्फ कहने जोगियां कर नहीं सकते। ये मेरी इंसल्ट है यार, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया ना ये तो मेरा उस्ताद एक्सपोज हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, हाँ हम फिर पहले एक सुर उस्ताद का सुन लेते हैं। सुर जिससे मुराद सिर्फ जस्ट वन लाइन, वन लाइन, ठीक है, फिर उसके बाद आप सुना देंगे इंशाल्लाह। ठीक है अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके दिखाते हैं हम यहाँ पे आई किस लिए। ओके ओके डन। यहाँ पे ना सीन कुछ इस तरीके से आया कि अगर आप व्लॉग शूट कर रहे हैं, कोई भी वीडियो बना रहे हैं, कोई भी पिक्चर बना रहे हैं, और अगर आपकी पिक्चर या व्लॉग में कोई आ जाता है तो उनकी इजाज़त के बगैर आप नहीं बना सकते। और अगर कोई कंप्लेन कर दे, कोई कंप्लेन कर देना तो क्या होता है फिर, कंप्लेन हो जाए तो अंदर कर देते हैं, फिर अंदर जेल में जाके मंदियाँ खानी पड़ती हैं। तो ये यहाँ पे एक बड़ा रोल है। आपस की बात है, तुम आया नहीं है यार? ऐसे ईद भी नहाया था चांद रात को दूसरा साबुन दे देंगे। मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग इतने वो हैं, ये मुझे अंधेरे में ले आए हैं। मैं तो फ्लैश लाइट ऑन है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वो पहले की तरह खूबसूरत नजर आ रहा हूँ, नहीं तो ये तो मुझे अंधेरे में ले आए हैं। भाई जान क्या क्या इरादे हैं दोनों के? शायद किधर जा रहे हैं? इधर तो आओ। हेलो, ये जगह अच्छी है। इधर तो जा रहा भाई शाह के इरादे नेक, बड़े मजे की जगह लेके जा रहा है। मजे की जगह? ये अंधेरे में कौन से मजे की जगह है? अंधेरे, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, तारीकी रात के बाद रोशन सूरज निकलता है, अभी देखना।
कितना और चलना पड़ेगा ये आके? तो भाई वो मुझे वो कोई दरख्त ही दरख्त लग रहे हैं यहाँ से आके तब हैं? यहाँ से टॉप ने टॉप ने पता नहीं जी कहाँ लेके जा रहे हैं, देखते हैं हम भी, देखते हैं आप भी, देखते हैं लेके जा रहे हैं। लेकिन नून निकाल के नून ये काफ, एक मिनट नून ये काफ, नून निकाल के ये काफ। समझ आ गया लेकिन लेट है। ओ भाई इधर किधर जा रहे हैं? वो पार्क है सारा बाकी टूटी हुई है अल्लाह के वाले क्या? वो इधर किधर है भाई? ओए हम पार्क आए थे, ओए ओए पार्क आए थे, ओए ये भी पार्क ही है क्या? ये पौधे नहीं? ओ भाई हम घर क्या कर रहे हैं, रुसेल गार्डन है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बड़ा बेटा हूँ और मेरा छोटा भाई देखो कहाँ लेके जा रहा है। और मैं हूँ ही अकेला। वैसे हम लोग आए कि यार वंस मोर क्या क्या हुआ, मैंने भी हंसना है यार पता नहीं कहाँ लेके रहे हैं ये। ये कहीं ना कहीं तो हम आए हैं, कहीं ना कहीं तो ये मुझे लेकर आए हैं। अब देखें कहाँ लेकर आए हैं यार। अगर ओए मेरी बात सुनो एक मिनट, यहाँ पे किसी की इजाज़त के बगैर हम वीडियो नहीं बना सकते। और अगर बहन से अंदर भी कोई वीडियो शूटिंग में आ गया फिर तो यहाँ वीडियो कैसे बनाएंगे? अलाउ है, बना लेंगे। इधर अलाउ है, बनाई हुई है। इधर वीडियो अलाउ होनी चाहिए, नहीं तो वीडियो अलाउ करवा देना, उन्हें बताना कि कौन आया है। सर बता दो जरा। धन्यवाद शाह फ्रॉम वो पंजाब असम्बली वाला टाइटल छिन गया यार, ख़त्म हो गया, मैंने खुद ही छोड़ दिया। स्नैन मेरे सामने इस टाइम बहुत ही लेवल की ना गाड़ी खड़ी हुई है और ये मेरी स्नैन ड्रीम कार, बताना नहीं है अभी। ओके आ गई है ड्रीम कार, नज़र आ गई गाड़ी में कोई बैठा हुआ ध्यान तो, जो हमारी एज की है ना। हाँ जी भाई, हाँ जी वो जो 5 रियाल के भी है ना वो तो भाई बड़े 5 रियाल की ये छोटी है। मिलेंगे ना इधर आके, खड़ी कर ली भाई तू चला जा। स्कूल किधर है? हाँ जी भाई, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं अब इधर खड़े हो के सुर तो बनता है। नहीं 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 इधर रुक जो, इधर ही खड़े हो, रुक जो इधर इधर पे बैठ के ना सुकून से। अच्छा लेकिन अभी क्या किया भाई, अभी क्या कर दिया? पिछले व्लॉग में मेरी वजह से मेरे घर वालों का प्रोग्राम बढ़ गया, ठीक है। ये सीन बड़ा जो है ना बैड हो गया। क्यों तैयब साहब क्या कहते हो यार? दानियल भाई वैसे एक जेन्युइन बात करेंगे, पहले ये बताएं माइंड तो नहीं करेंगे ना? नहीं जी माइंड क्यों करना है जी, माइंड क्यों करना। आप डेली आपके व्लॉग्स देखे जाते हैं, फैन है आपके। तो बात ये है पिछली दफा भी प्रोग्राम आपकी वजह से बढ़ा था, इस बार भी कहीं आपका हाथ तो नहीं? क्यों शाह साहब? योर फॉल्ट लग रहा है। बाकी वापस जा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? वापस नहीं जा रहे अभी, पिक्चर बाकी, डुलू करवाना चाह रहा था वो वाला, पिक्चर अभी बाकी है। चलें देखते हैं आगे क्या होता है, फिर तुम लोगों को दिखाते हैं। अभी हमेशा की तरह एक बार फिर प्लान जो है वो बढ़ गया। एक बार फिर जो है ना यार जलील होने के बाद जो है ना इधर बैठ गए कुर्सियों पर आके, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह पहले एक शुरली छोड़ी गई थी कि जी उस्ताद साहब ने जो है, ये उस्ताद है ये शागिर्द है, ठीक है। उस्ताद साहब ने जो है ना इनकी आवाज़ साफ़ करवाई है, इनका गला साफ़ करवाया कुछ फेर के ना, तो इनकी आवाज़ सुनते हैं हम कि इनकी आवाज़ कैसी है। तुम लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना कि उस्ताद की आवाज़ ज़्यादा प्यारी है या शागिर्द की आवाज़ ज़्यादा प्यारी है, ठीक है। मेरी आवाज़ का तुम लोगों को पता ही है, वो तो फिर हाई लेवल का मैं सिंगर हूँ ना। हैं आप भी कहेंगे सुनाएंगे ऐसे ही है? हाँ फिर तो तीनों होंगे ना। हाँ इंसाफ होना चाहिए, डन हो गया, मैं भी सुनाऊंगा क्योंकि महफिल में बैठ के फिर महफिल बनाई जाती है। बस ठीक है, फिर पहले शागिर्द फिर शागिर्द का उस्ताद
फिर उस्ताद का। नहीं नहीं फिर मुझ जैसा एक नाकिस गरीब बंदा आपको सुना देगा, ठीक है। मैं तो मुरीद हूँ यार किसी का, यार मैं उस्ताद हूँ, मैं तो किसी का मुरीद हूँ, वो देखने वाला पता लग जाएगा कि मैं किसका मुरीद हूँ। चलें जी करें स्टार्ट। अच्छा चलो जी, इतने में गाना शाना जरा डिसाइड कर लें, फिर उसके बाद में वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाह साहब पहले हाथ में लाएंगे, उस्ताद ने शागिर्द को जो है थापी दे दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। जो मुझे जमीन से उठा के आसमान तक। इस पे वो शेर होना चाहिए ना कि इश्क करके की कमाई कदी। इसकी अगली लाइन में भूल गया हूँ, और अब उस्ताद की बारी। जब कहा था मोहब्बत गुना तो नहीं, फिर गुना के बराबर सजा क्यों मिली, जख्म देते हो कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे के जीते रहो, प्यार जब जब जमी पर उतारा गया, जिंदगी तुझको सदके में बारा गया, प्यार जिंदा रहा मक्तलों में मगर, प्यार जिंदा रहा मक्तलों में मगर, प्यार जिसने किया है वो मारा गया, हद यही है तो हद से गुजर जाएंगे, इश्क चाहेगा चुपचाप मर जाएंगे, ये मोहब्बत में निकली हुई फाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। वाह यार शाह साहब, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त जी। उस्ताद और शागिर्द मैं कहता हूँ दोनों ही जबरदस्त, बहुत 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 आला जबरदस्त। थैंक यू, बहुत जबरदस्त जी आप शाह साहब, बहुत जबरदस्त जी। इन्हें इंडियन आइडल्स वाले भी इन्हें बुला सकते हैं, पाकिस्तान आइडल्स वाले भी इन्हें बुला सकते हैं, ठीक है। बिलाल सईद को अगर कोई टिप्स शिप्स चाहिए वो इनसे ले सकते हैं, ठीक है। आतिफ असलम को अगर टिप्स चाहिए वो भी इनसे ले सकते हैं, जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं उनको टिप्स चाहिए हो तो वो इन दोनों से ले सकते हैं। माशाल्लाह आवाज़ बहुत प्यारी है, और लाइव आवाज़ इसके अंदर वो कौन सा ट्यून, ऑटो ट्यून, ऑटो ट्यून नहीं लगा भाई, तालियां बजाओ अपने लिए। चलो शाबाश, क्या दूसरी तालियां, बहुत जबरदस्त। चलो चले, दानियल भाई ने जो कैमरा है वो हमारे हाथ में दे दिया है, और दानियल भाई ने एक वादा किया था हमसे ऑफ कैमरा, भाई ऑफ कैमरा कोई वादा शादा नहीं था मेरा, ठीक है। कोई मैंने तो इसलिए आप लोगों को कहा था कि चलो आप लोगों की आवाज़ सुन लेंगे, हम कहाँ जी हमारी आवाज़ कोई नहीं कहती। चले छोटे भाई मान के, हमारे लिए व्यूअर्स के लिए कुछ तो बनता है, बड़े भी मान ही गए। चलो चलो शुरू करें, सिर्फ एक लाइन, फिर सिर्फ एक लाइन, चले एक लाइन ही चलेगी। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा, पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं दोनों खुल के, बरसे भीगे आ जरा, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही
मिलके लगा तूने छुआ जख्म को मेरे मरहम मरहम दिल पे लगा। वेरी गुड दानियाल शाह, वेरी गुड दानियाल भाई, मजा आ गया शाह साहब। बाबा जी मजा ही आ गया। जिंदाबाद मुबशर पुत्र, मजा ही आ गया। यार एक टाइम था कि मैं अच्छा गाना शाना गा लेता था, लेकिन अभी यू नो ना पता ना कि दानियाल भाई बहुत फर्क हो गया, गलत फहमियों में रहना छोड़ दे। नहीं जी नहीं, मैंने आजकल ना एक गाना स्टार्ट कर रहा हूँ, गुल्ली मता, वो मैंने याद करना है और मैंने ओमान में वो परफॉर्म करना है, मेरा ये टारगेट है। बेशक जितना मर्जी पुराना गाना हो जाए, लेकिन ओमान में एक बार मैंने परफॉर्म करना है और ऑन स्टेज परफॉर्म करना है। मैंने गुल्ली मता गाना सुना ना आपने? जी जी गुल्ली मता मैंने परफॉर्म, मैं उस दिन हसनैन को कह रहा था ये ना कि गुल्ली मता जो है ना वो परफॉर्म करना है और स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म करना है, हज़ारों की तादाद में ऑडियंस हो और ये गाना जो है ना परफॉर्म करना है इंशाल्लाह एक दिन। चले जी तो ऑडियंस गाने की प्रैक्टिस ऑडियंस आएगी खुद आएगी। मैंने आजकल एक अपना हैशटैग अपना बना दिया है, ट्रेंडिंग गाना दानियाल शाह कमिंग सून ऑन ट्रेंड, तो ये ट्रेंड पे एक दिन जाऊंगा इंशाल्लाह। शाह साहब आपस की बात है, टिकट लगाने हम ही बैठेंगे, पैसे फिर हम नहीं जमा कर रहे हैं, वो यहाँ से आएंगे और इधर जाएंगे। दानियाल भाई राजी हैं जी? वो पैसे जो होंगे ना वो मेरे, मैंने अपने व्यूअर्स के साथ बहुत सारी कमिटमेंट्स की हुई हैं कि एक दिन जब मैं उस स्टेज पे पहुँचूंगा ना, वो एक दिन, उस एक दिन में मैंने बहुत सारी कमिटमेंट्स की हैं। पहला हक मेरे व्यूअर्स को होगा, उसके बाद यार ऐश करो यार, ये लो 14 प्रो भी ले लो, ये लो यार ऐश करो, जाओ 15 प्रो मैक्स का गिव अवे। फिर नहीं जी 15 प्रो मैक्स गिव अवे, फ़ोन 15 प्रो मैक्स ये चीज़ें गिव अवे नहीं करूँगा, ऐसे फ़ोन निकाला और ये तो ये और गिव अवे ये नहीं करूँगा। जितने का 15 प्रो मैक्स है ना उतना कैश फेंका जाएगा? नहीं, जितने का 15 प्रो मैक्स है ना उतने की मेरी कई सारी बहनों की शादियाँ हो जाएंगी। क्या बात है, बस हाथ मिलाएं, ये तो फिर देखें जी टारगेट है और इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरूंगा। ये दानियाल शाह की इंशाल्लाह ज़ुबान है और अल्लाह ने जिंदगी रखी तो इंशाल्लाह मैं काम जरूर करूंगा, ये अच्छे काम गिव अवे करूंगा, बाइक्स करूंगा, लैपटॉप्स करूंगा, जो जरूरत की चीजें होंगी। 15 प्रो मैक्स पे भी टिकटॉक ही बनानी है ना, उसका फायदा नहीं है। ये अच्छा काम है शाह साहब, आप भी कुछ सीखे दानियाल भाई से। नहीं यार ये हम दोनों का एम है और जो मेरे पीर साहब है ना, जो मेरे पीर साहब है ये उनका भी एम है, अल्लाह उनको खुश रखे और मेरे सारे व्यूअर्स को भी खुश रखे। चलो यार बड़ी दुआएं होंगी यार, कितना इमोशनल करोगे यार, पहले कैमरा हो गया तुम लोगों की वजह से यार, पहले बड़ा दिल दुखा है यार, आज फिर एक प्रोग्राम हमारा जो है ना बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। अपनी आवाज से जो है ना बच्चों का मनोरंजन तो हमने कर दिया, क्यों बच्चों खुश हो गए हो? अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो गई, दानियाल भाई ने बहुत अभी खुश अभी मैंने कहा है ना ये बच्चे सही नहीं है, ठीक है। खैर शूट वूट जो है ना हम लोगों ने किया, एक बार फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी मेंशन है, वहाँ जाएं इंस्टाग्राम में भाई को फॉलो करें, वहाँ पे शूट देखने रील्स देखने के लिए, वहाँ पे भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। यार ड्रीम कार जो है पहले तो आप लोगों को दिखाई नहीं है, स्नैन इधर है भाई की ड्रीम कार है यार, ड्रीम कार बस स्नैन ने ले ली थी तुझे, तू यहाँ पे ले आया गाड़ी चाबी लेके सर्विस के लिए दी थी तुझे, कहा था करवा के ले यार, कहाँ खड़ी रहती है। खैर ये ड्रीम कार है मेरी, डॉज चैलेंजर, उफ गाड़ी है यार ये, उफ गाड़ी है माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ये किस पोज में तो सिर खींच रहा भाई? यार पर्सनल पोजेस होते हैं, ये कौन सा पोज होता है यार? आगे पीछे करना होता है यार, क्या समझा ले यार, अब हर बंदी की बच्ची होती है, मेरी बच्ची बिठानी है, मैं पीछे क्या करना होता है, फोटो लेनी है, सिंपल तरीके से लो, मैं पोज लेके दिखाता हूँ यार, इतना प्यारा मैं पोज लेके दिखाता हूँ, पकड़ो जाए यार, थोड़ा करीब लाओ पोज दिखाऊं। फोटो शूट तो जी हम लोगों ने कर लिया, देखा ना कितना स्मैक्सी किस्म का जो फोटो शूट है, इंस्टाग्राम पे जाना है। ये भाई की आईडी जो है नाम के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, क्या नाम है वैसे आईडी का? tayyab_nazir। बड़ी लंबी आईडी है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाके फॉलो करना। हसनैन की तो आईडी वैसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं होती, ठीक है आज कर दूंगा, इसको भी जाके जो है ना फॉलो करना आप लोगों ने इंस्टाग्राम। रुकी भाग लो पैसे कम लेगा,
भाग लो जल्दी भाग लो जी, पूरा डब्बा ही रोक लिया, टैक्सी रोकने का कहा था यार, पूरा डब्बा ही रोक गया। टैक्सी रोकी थी, आप नहीं माने। अकबर का दाखल। अभी हम लोग पहुंच गए जी पंजू। वैसे ही आपने क्या मंगाया अपने लिए? मैंने भूलिया देखी। आपने क्या मंगाया अपने लिए? अभी अभी इन्होंने अपने लिए ऑर्डर मंगाया, लेकिन मुझे याद ही नहीं है इन्होंने क्या मंगाया। सही से नाम बोल रहे हैं, ऑर्डर आ गया। इससे भी हो ना जान, ब्लूपर्स इन दोनों के अंदर कितना प्यार है यार। पहले वो पिलाता है, तुम पिला रहे हो, फिर मैं कहूंगा शादी करवा दें तुम दोनों की। हैं? मजा क्या मेरे पे? क्या मजा है? देखो दीदी, मैंने कहा ना ये दोनों जो ना गंदे हो चुके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना खाने पहुंच गए। और ये मेरा बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, डेली बेसिस पे। जब मैं इधर जॉब करता था ना, डेली बेसिस पे रात का खाना मेरा इधर होता था, और दो दो बजे रात को घर जाना होता था, जॉब से दो बजे फ्री होता था। डेली मैं रात को खाना इधर से खाता था, और आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है ना, मैं यहाँ से खाना खा रहा हूँ। खाना साना खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। भाई लेट भी हो रहा है, फिर भाई को अलहमदिल्ला खाना वगैरह खा के फ्री हो गए हैं। तैयब भाई जा रहे हैं, इन्हें देते हैं इजाज़त। ठीक है तैयब भाई, बहुत सो मच आपसे मिलके, बहुत मज़ा आया। आपको खुश रखे, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही दोबारा मुलाकात करेंगे। शाह साहब ठीक है, मिलने अपने उस्ताद, अपने उस्ताद से मिलने, उस्ताद से शाह साहब। ये मैंने कहा ना, ये दोनों सही लड़के नहीं है। ठीक है, ओके शाह साहब, खुश रहें सर। अल्लाह हाफिज़। घर पहुंच गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है कपड़े शपड़े चेंज करते हैं। हसनैन साहब ने जो है कपड़े चेंज करने, क्यों जी मज़ा आया? बड़ा आया भाई, जलील हो गए इन्जॉय करके, मज़ा करके मज़ा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जी, मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खाया और बहुत इन्जॉय किया। ठीक है, लाइसेंस की थोड़ी सी कमी फील हुई है ना, लाइसेंस की कमी फील हुई है ना हसनैन साहब? लाइसेंस ही रह गए बस, लाइसेंस की कमी फील हुई है। इंशाल्लाह वो भी एज सून एज पॉसिबल जो है रिन्यू हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कल एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जिन जिन लोगों ने दानियाल सर डॉट सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दो। बेल आइकन को प्रेस कराना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच सके। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है, जाके तैयब को भी फॉलो कीजिएगा, मुझे भी फॉलो कीजिएगा, हसनैन को भी फॉलो कीजिएगा। आप भी क्या दो ज़रा फॉलो कर दें, आप भी क्या दो ज़रा फॉलो कर दें, आप भी क्या दो ज़रा फॉलो कर दें, फॉलो कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे कल एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। पक ओमान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।